जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आपके घर में भी कोई बहुत ज्यादा शराब पीता है या किसी भी अन्य प्रकार का नशा करता है, जैसे कि सिगरेट हो गई, दारू हो गई या किसी भी अन्य प्रकार का नशा करता हो, तो आपको 21 लोगों को लेकर एक छोटा सा उपाय करना है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर आपको बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। स्किप कर करके वीडियो को मत देखिए, अन्यथा आपको कोई भी उपाय समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखें। दोस्तों, ये आज का उपाय बहुत ही कारगर उपाय है, ये 100% काम करेगा ही करेगा। वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अन्य इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ ही साथ पास वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे होगा ये कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। आइए आरंभ करते हैं। दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको 21 लौंग लेनी है। जी हाँ, आपको गिनकर 21 लौंग ले लेनी है, और उसके अलावा लेनी है आपको काली मिर्च। काली मिर्च भी आपको 21 लेनी है, और जो तीसरी चीज है वह है इलायची। इलायची भी आपको 21 ही लेनी है। और दोस्तों, चौथी जो चीज है वह है लाल कपड़ा। लाल कपड़ा आपको एक ही लेना है, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जैसा भी हो वह चलेगा। अब जो पांचवी चीज है वह है पीपल का पत्ता। दोस्तों, आपको एक पीपल का पत्ता भी लेना है। उस पीपल के पत्ते में आपको सिंदूर से राम नाम लिखना है। उस पीपल के पत्ते में जितना भी आप राम नाम लिख सकें, एक या दो या जितना भी आपसे लिखते बन जाए, आप उतना लिख दीजिए। उसके पश्चात, राम का नाम लिखने के पश्चात, आप उस पीपल के पत्ते को सूखने के लिए रख दीजिए, ताकि जो आपने राम नाम लिखा है वह सूख जाए और सही से उस पत्ते में अंकित हो जाए। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, जो आपने 21 लौंग, 21 काली मिर्च और 21 इलायची ली है, इन सभी को उस लाल कपड़े में रखकर और जिस पत्ते पर आपने राम नाम लिखा है, उस पीपल के पत्ते को भी उस लाल कपड़े में रख दें। ये सभी सामान उस लाल कपड़े में रखकर आपको एक पोटली तैयार कर लेनी है। फिर उस पोटली को आप अपने नजदीकी हनुमान जी के मंदिर में लेकर जाइए। हनुमान जी के मंदिर में जाने के पश्चात आप श्री राम 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 का जाप करते रहें, और उसके बाद वह पोटली नाम जप के साथ ही साथ उस मंदिर में रख दें। वह पोटली जब आप हनुमान जी के मंदिर में लेकर जाएं और उस पोटली को वहां रखते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आप वह पोटली हनुमान जी के चरणों के आसपास नहीं रखें, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में श्री राम बसते हैं और उस पोटली में पत्ते के ऊपर आपने राम नाम लिखा है। वह पोटली आप हनुमान जी के बगल में रख दीजिए, और ऐसा करने के पश्चात आप उस पोटली को 21 दिन तक वहां पर रखे रहने दें। फिर 21 दिन के बाद आप वह पोटली को अपने घर पर लेकर आ जाइए। अब आप यह कहेंगे कि यदि 21 दिन तक हम हनुमान जी के मंदिर में वह पोटली रखेंगे, तो उस पोटली को कोई वहां से उठाकर ले जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप हनुमान जी के मंदिर में यह उपाय नहीं कर सकते हैं, तो यह उपाय आप अपने घर में कर लें। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, आप यह उपाय अपने घर में भी कर सकते हैं। आपके घर में जहां पर भी मंदिर में आपने हनुमान जी की मूर्ति रखी है या तस्वीर रखी है, आप वहां पर हनुमान जी के पास यह अपनी पोटली रखते हैं। और दोस्तों, 21 दिन के बाद आप इस पोटली को हनुमान जी के मंदिर से, मूर्ति से या उनकी तस्वीर के सामने से उठाकर उसे अपने किचन में ले जाइए। और दोस्तों, जो 21 लौंग, 21 काली मिर्च, 21 इलायची, इन सभी को आपको अच्छे से कूट लेना है, और कूट लेने के पश्चात आपको इन सभी का काढ़ा बनाना है, या फिर आप उसको पीस कर रख लीजिए और रोज उसका थोड़ा थोड़ा काढ़ा बनाइए। अब जो भी व्यक्ति आपके घर में किसी भी प्रकार का नशा करता है और आप उसका नशा छुड़ाना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति को आप ये काढ़ा पिलाएं। यह काढ़ा आप किसी चीज में थोड़ा थोड़ा मिलाकर भी पिला सकते हैं।
या फिर कैसे भी करके जो व्यक्ति नशा करता है उसको आप ये काढ़ा पिला दें। 21 लौंग, 21 इलायची, 21 काली मिर्च पीसी है, उनका आप रोज काढ़ा बनाते रहिए और 21 दिन तक जिस भी व्यक्ति का आप नशा छुड़ाना चाहते हैं 21 दिन तक यह काढ़ा उस व्यक्ति को पिलाते रहिए। आप चाय, दूध या कॉफी में भी यह काढ़ा मिलाकर पिला सकते हैं। दोस्तों आप विश्वास कीजिए, इस उपाय से जो नशे करने वाला व्यक्ति है उस पर हनुमान जी की कृपा होगी। इस उपाय को करने से उस व्यक्ति का नशा 100% छूट जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखिए कि जब आप यह काढ़ा बनाएं, तब आप मन ही मन में भगवान श्री राम से प्रार्थना करते रहें कि प्रभु इस उपाय को सिद्ध करने में मेरी सहायता करें और इस व्यक्ति का यह नशा छूट जाए। यदि आपके परिवार में कोई भी नशा करता है, आपका हस्बैंड नशा करता है, आपके बच्चे नशा करते हैं या आपके परिवार का अन्य कोई सदस्य नशा करता है, तो आप उसका नशा छुड़ाने हेतु यह उपाय कर सकते हैं। बस इस बात का अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जब आप यह काढ़ा बनाएं तब आप प्रभु श्री राम से और हनुमान जी से प्रार्थना करते रहें और इस उपाय को आप पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ कीजिए, यह उपाय जरूर कारगर होगा। और दोस्तों उस पोटली में आपने जो पीपल के पत्ते के ऊपर राम का नाम लिखा है, उस पीपल के पत्ते को आप किसी नदी, तालाब या आपके आसपास जो भी जलाशय है उसमें प्रवाहित कर दें। तो दोस्तों ये था सरल सा उपाय नशा मुक्ति के लिए, जो बहुत ही साधारण उपाय है, बहुत आसानी से आप सभी यह उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह उपाय कैसा लगा यह बताने के लिए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास वाली बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अन्य इसी प्रकार की जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।